अरे यार फैंगिंग बैंग, कब तक ये खटारे गाड़ी में घूमते रहेंगे यार। मेरे को भी मन करता है कि हमारे पास बहुत ही महंगी लग्जरी गाड़ी, और आपको मन नहीं करता कि यार कुछ तो करो यार, मेरे को बहुत ही महंगी लग्जरी गाड़ी चाहिए, मेरे को नहीं घूमना है खटारी सी गाड़ी के अंदर। अरे यार सिंचन, मन तो मेरा भी करता है बट पैसे नहीं आते। बट एक मिनट रुक, ये गाइस ये गाड़ी मैंने पहली बार देखी है हमारे इलाके में, और ये देखो गाइस इसके साथ इसके बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड जा रहे हैं। एक मिनट रुको, क्या ये लैम्बोर्गिनी है? ओ भाई साहब, ये गाइस लैम्बोर्गिनी है व्हाइट कलर में, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। अरे फैंकिंग बे, कार से गाड़ी अपनी होती, काम करो ना फैंकिंग बे, इसको चोरी कर लेते हैं ना अपन यार, अपन तो बहुत खतरनाक चोर है। अरे भाई सिंचन, तूने पहली बार कोई मुद्दे की बात करी, बट एक मिनट रुक भाई, यहाँ पर देख आगे भी उसके पास सिक्योरिटी गार्ड है, बाउंसर रहे भाई, पर तो कुछ तो लोचा है। एक गाड़ी आगे गई, बाकी गाड़ी अंदर की तरफ जा रही है। गाइस रुको, पता करने दो, उससे पहले यार वीडियो पे नहीं होना तो मेक श्योर फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट पे लिख दो कि वी लव यू शिंचन, पता नहीं शिंचन बोल दे तो एक बार इनको भी। अरे हाँ यार दोस्तों, अगर मुझसे प्यार करते तो लिख दो वी लव यू शिंचन, पता नहीं मुझे लिखना चाहिए यार फैंकिंग पे। चलो चलो फटाफट ही तो आगे निकल के अपने से देखते क्या हो रहा है इनके पास जाके। हाँ यार शिंचन रुक जरा, यहाँ पर चलते हैं उनको देखते कि हुआ क्या है। बट ये बीच की तरफ जा रहे गाइस, बहुत लफड़ा दिख रहा है यहाँ पर। बट रुको गाइस, उनकी गाड़ी वहाँ पर रुक चुकी है, हम थोड़ी देर आगे जाने के बाद देख सकते हो गाइस। ओ भाई डायरेक्ट जाऊंगा तो लफड़ा हो जाएगा, तो कोई काम करते हैं, जो एक घर है ना उसके पास चलते हैं। और यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम हुई है सिंचन, तू यहीं पे रुक, गाड़ी के ऊपर ही बैठना, मैं जाके देखता हूँ कि हुआ क्या है। मैं काम करता हूँ, अपनी स्नाइपर राइफल निकालूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा, इतने दूर से दिखाई नहीं दे रहा, नजदीक से दिखाई देगा तो पता चलेगा हो क्या रहा है वहां पर। निकालते अपनी स्नाइपर राइफल और देखते हैं गाइस। ओ गाइस ये क्या हो रहा है, एक मास्क पहना हुआ इंसान है जिसको इन लोग मार रहे, लिटरली बहुत ज्यादा मार रहे भाई, वो बहुत ज्यादा तड़प रहा है मार खाते हुए, और ये मेरे को खतरनाक इंसान लग रहे गाइस। मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए, बट मैं यहाँ से फायर करूंगा तो ये सब मेरे पीछे लग जाएंगे। एक मिनट रुको गाइस, वो निकल रहे यहाँ से, रुको रुको रुको, वो इंसान को छोड़ के जो मास्क वाला पहना था ना, वो जमीन पे सोया है, उसको बहुत ज्यादा मार रहा है, और उसकी गैंग का एक बंदा वहां पर रुका हुआ है, और इन लोग सब अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल रहे हैं। मैं डायरेक्ट अभी अटैक करूंगा तो इन लोग अलर्ट हो जाएंगे। काम करते सिंचन, इनको जाने दिया था। अरे अरे भाई भाई यहाँ से चुप चुप पीछे, यहाँ पर पीछे पीछे इनको जाने दे, इनको कोई दिखाई नहीं दे रहा, अपने आप छुपे। अगर ये यहाँ से निकल जाएंगे ना, उसके बाद ही अपन अटैक करेंगे इनके ऊपर। पहले अटैक बिल्कुल भी नहीं करना भाई, लगता है इसको पता चल गया। नहीं गाइस, इसको नहीं पता चला, रुका था, इसको पता चल गया अपने बारे में। भाई इनको यहाँ से पूरी तरीके से चले जाने दो, उसके बाद ही मैं इनकी जो गैंग मेंबर का एक बंदा वहां पर रुका जो उसको मार रहा है, अपन देखो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर देखो वो बंदा अकेले उसको मार रहा है, बट एक काम करते पहले इनको जाने देते हैं, यहां से निकल जाएंगे ना, उसके बाद अपन उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको बचाएंगे वो मास वाले इंसान को। तो भाई देख सकते हो, एक गाड़ी बची है, बाकी गाड़ियां निकल चुकी है, लग जाएगा साहब बारी आ चुकी है इसको निपटाने की। अब स्नाइपर राइफल से इसको निपटाते, जो यहाँ पर अकेला बंदा खड़ा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अब मैंने इसको मार दिया। और सिंचन चल फटाफट उसके पास चलते हैं। फैंकिंग भाई तुम कितने अच्छे हो यार, तुम सबकी मदद करते हो यार, बहुत अच्छी बात है फैंकिंग भाई। चलो फटाफट अंकल को पूछते कि ओ अंकल आपको हुआ क्या यार, आप सब उठे भी नहीं रहे अंकल जी, यार आप तो उठे भी नहीं रहे यार, बैंकिंग में जाके देखो यार क्या हुआ फटाफट से। हाँ यार सिंचन तो रुक रुक, मैं जाके जरा चेक करता हूँ, ये उठ क्यों नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं गया ना। अरे यार मास वाले भैया उठ जाओ यार, क्या हुआ है आपको? अरे यार ये तो बोल भी नहीं रहा सिंचन, रुक जिसको धक्का मारता, देखते ये उठता है या नहीं। तो गाइस फाइनली ये उठ चुका है। अरे मास वाले भैया आप हो कौन यार, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आप इन लोग भी बात कर रहे थे तब नहीं बोल रहे थे, अभी भी कुछ नहीं बोल रहे, बोलो यार कुछ तो, मैंने आपकी जान बचाई है यहाँ पर आके। अरे यार क्या बात कर रहा है, तूने मेरी जान बचाई, मैं हूँ मंकी किंग, बहुत ही बड़ा जादूगर। इनको पता लग गया था कि मैं एक जादूगर हूँ, और मेरे अंदर ऐसा जादू है कि मैं किसी को भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ कि तू कोई भी गाड़ी को टच करे तो वो गोल्ड की बन जाएगी। अगर तेरे को ये जादू चाहिए तो तेरे को इस इंसान को बर्बाद करना पड़ेगा, उसकी जो वो व्हाइट लैम्बोर्गिनी है उसको तेरे को चोरी करना पड़ेगा, उसके बाद ही तेरे अंदर ये पावर आएगी। और तू टेंशन मत ले, मैं मेरे पावर से तेरे को उसके पास पहुंचा दूंगा, और तू ऐसी जगह चले जाएगा जहां पर तुझे गोली लगेगी तो भी तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम कर, उसके पास जा और उसकी गाड़ी को चोरी कर, उसको बर्बाद कर दे, और मेरी इच्छा ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद तेरे अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि तू कोई भी गाड़ी को टच करेगा तो वो गाड़ी सोने की बन जाएगी। अबे यार ये कब से बड़बड़ रहा है, बट इसकी बात सच भी हो सकती है। रुको ये कोई तो मंत्र पढ़ रहा है, क्रीम क्रीम ब्रीम श्रीम, मेरी पावर आ जाए इसके अंदर। तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। हाँ यार गाइस देखो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई पावर असर कर रही है। मैं वहां पर था लॉस सैंटोस की बीच पे, और मैं एयरपोर्ट पे आ चुका, और मेरे ठीक नीचे मेरे को वो लैम्बोर्गिनी दिखाई दी व्हाइट वाली। तो वो लैम्बोर्गिनी जैसे मैं चोरी कर लूंगा, जैसे मैं उसके अंदर बैठूंगा ना, मेरे अंदर वो पावर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी गाड़ी के अंदर बैठूंगा या फिर उसको टच करूंगा तो वो गोल्ड की बन जाएगी। उससे पहले ये देखो वो माफिया इंसान है, इसको उसके बारे में पता चल गया था, बट वो मास मैन जो मंकी किंग था ना, उसने इसको पावर नहीं
नहीं दिया, उनको लग रहा था कि वो झूठे नकली है, बट उनको पता नहीं था कि वो असली में था। अगर उनके साथ और रहता था वो शायद से वो इनको पावर दे देता, बट इनकी गलती हो चुकी है, अब इनकी बारी है मरने की, क्योंकि तुम्हारे भाई के अंदर ऐसी पावर आ गई है ना कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कितना भी मारने दो, क्योंकि भाई वो मैजिक से मैं इतना पावरफुल बन गया ना कि मैं कभी नहीं मर सकता हूँ। और शिनचैन को तो गाड़ी चाहिए थी, तो ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन होगी, पर उसके ऊपर सोने पे सुहागा पता क्या होगा, मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा तो ये गाड़ी प्योर बन जाएगी सोने की। क्या करूंगा पता है कि मैं लॉस एंडोस में एक मेरा दोस्त है बहुत पहले का, उसके पास जाऊंगा, उसका एक शोरूम है जिसके अंदर वो गाड़ियां महंगी महंगी रखता है, और मैं उसके पास जाऊंगा और उसको मैं कहूंगा कि भाई मैं तेरे लिए एक ऑफर लेके आया हूं, मैं तेरी सारी गाड़ी को गोल्ड की बना दूंगा, उसके बदले मेरे को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। बट एक मिनट रुको, मेरे पीछे पुलिस लग जाएगी, ये कैसे हो सकता है भाई? वो मॉन्की किंग ने ये तो करना चाहिए मेरे पीछे पुलिस ना लगे, तो गाइस मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है, पुलिस वाले आते ही मेरे पास, भाई अभी कौन जिंदा है यार, ये कहां से आ गया, पहले से पुलिस का लफड़ा आ चुका है, उसको मारने दो भाई, आजा फटाफट से गाइस, तो ये निपट चुका है, अब मेरे को पुलिस से बच के यहां से निकलना पड़ेगा, और अगर मैं पुलिस से बच गया ना तो तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला है। भाई ये देखो लैम्बोर्गिनी यूरुस खड़ी है यहां पर व्हाइट कलर में, अंदर बैठेंगे देखते पावर गाइज, लिटरली वो पावर एक्टिवेट हो चुकी है गाइज, मेरे को नहीं लगा था कि वो सच होने वाला है, बट आप लोग देख सकते हो व्हाइट कलर की नॉर्मल लैम्बोर्गिनी यूरुस अब बन चुकी है प्योर गोल्ड की, प्योर सोना का, जो कि आप लोग देख सकते हो इतनी महंगी गाड़ी बन चुकी है, मैं बहुत ज्यादा अमीर बनने के करीब आ चुका हूँ। मुझे बस जैसे तैसे करके ये पुलिस वालों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, अगर मैंने इनसे पीछा छुड़ा लिया, ये मुझे पकड़ नहीं पाते, तो तुम्हारा भाई मतलब भाई अमीर बनने वाला है, मैं बहुत ज्यादा गाड़ियां खरीदूंगा, बहुत बड़े बंगले खरीदूंगा, और शिनचैन को ये गाड़ी दिखाने लेके जाना है, उससे पहले ये पुलिस से निकलते बच के भाई यहाँ से निकलेंगे, शिनचैन के पास जाएंगे, शिनचैन हमारा वेट कर रहा है वहीं पे, शिनचैन को लेंगे, उसके बाद अपन जाएंगे उस शोरूम में जहाँ पर अपन उसको ऑफर करेंगे वो इंसान को कि भाई मैं तेरी गाड़ी को सोने की बनाने वाला, उसके बदले मैं तुझे पैसे लेना चाहता हूँ, मैं कम से कम एक सोने की गाड़ी के बदले 1,000 करोड़ रुपए तेरे से लूंगा, जो कि ज्यादा ही सोने की गाड़ी है भाई, समझ रहे, सोने की वैल्यू बहुत ज्यादा है आज के मार्केट में, तो मैं उसको बोलूंगा एक गाड़ी का मैं 1,000 करोड़ लूंगा, तेरे पास जितनी भी गाड़ी है ना सारी गाड़ी की मैं गोल्ड की बनाऊंगा, और तू अपनी गाड़ियों को कितने में बेचना, मतलब 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ में जितना बेचना चाहता उतना बेच, तेरा प्रॉफिट है, बट मैं हर गाड़ी के पीछे 1,000 करोड़ लूंगा, अगर मैं 10 गाड़ी मैंने तेरी मॉडिफाई कर दी गोल्ड में तो मैं तेरे से 10,000 करोड़ लूंगा। उससे पहले ये जंप देखो लैम्बोर्गिनी यूरुस को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सोने की गाड़ी है, तो ये भाई कभी टूटेगी नहीं, कभी स्क्रैच नहीं आएगा, कभी बैंड नहीं आएगा, कभी जलने वाली नहीं, तो यही तो फायदा होता है सोने की गाड़ियों का। तो अपन उसके पास चलने वाले और उसको मैं बोलने वाला हूँ कि भाई ये ऑफर तेरे लिए ही है, सिर्फ किसी और के लिए नहीं आने वाली ऑफर, और मेरे को लग रहा है पुलिस पीछा छुड़वा लेगी, यहाँ पर पुलिस आजू बाजू बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, काम करते यहाँ से पतला गली, क्योंकि भाई मेरे को पता ही रास्ते में आ चुका हूँ पहले भी, तो यहाँ से निस्ते जाता है रास्ता, जो अगर मैं यहाँ से निकल गया तो पुलिस से इजीली बच जाऊंगा, पुलिस की नजरों से बच गया तो भाई पुलिस मेरे को छोड़ देगी मेरा पीछा, आई होप यहाँ पर कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, यहाँ पर पुलिस वाला नहीं रहेगा, तुम्हारा भाई यहाँ से इजीली निकल जाएगा पुलिस से बच के। जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हो पुलिस हट चुकी है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब चलते अपन शिनचैन के पास, क्योंकि भाई शिनचैन को देख के बहुत ज्यादा खुश होने वाला है ये गाड़ी को, क्योंकि अपने खटारा सी गाड़ी थी, और ये गोल्डन लैम्बोर्गिनी यूरुस जो भाई बहुत ज्यादा महंगी है। चलो फटाफट शिनचैन को लेके चलते हैं एयरपोर्ट की, सॉरी एयरपोर्ट होता है यहाँ पर अपना लग्जरी शोरूम की तरफ, तो मैं आ चुका हूँ शिनचैन को लेके लग्जरी शोरूम के रास्ते पे, अब उसके पास जाएंगे, और उसको ऑफर अभी तक मैंने फोन करके बताया नहीं, मैंने उसको कहा कि तू वो शोरूम में रहना, मैं आ रहा हूँ तेरे लिए बहुत अच्छा ऑफर लेके आया, बट क्या ऑफर लेके आया मैं उसको बताया नहीं है, मैं अभी उसको बताने वाला हूँ कि मैं उसके लिए क्या ऑफर लेके आया हूँ। तो ये गाइस ये रहा वो बैनी, बहुत ही अमीर इंसान, इसके लुक पे मत जाना, ये गरीब दिखता है बट ये बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि इसके पास बहुत ही महंगी महंगी लग्जरी गाड़ी है। एक मिनट रुको, ये बंदूक अंदर रखने दो, बंदूक रखने के बाद, क्योंकि भाई अपन को अच्छे से जाना है। यार बैनी भाई कैसा यार, तू बहुत दिनों के बाद मिल रहा है यार, पुतरिया अरे आप बैंकिंग क्या हालचाल है यार, बड़े दिनों के बाद आया और क्या ऑफर लाया तो मेरे लिए। अरे बैनी भाई सुन, मैं तेरे लिए ऐसा ऑफर लाया कि यहाँ पर जितनी भी तेरी गाड़ी खड़ी है ना, सिंपल सी गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी है, बट मैं उसको टच करूंगा ना वो सोने की बन जाएगी, बट हर गाड़ी के पीछे मैं 1,000 करोड़ लेंगे तेरे पास से, याद रखियो। पुतरिया अरे यार कोई बात नहीं, पहले तो गोल्ड की तो बना के दिखा, तेरे अंदर पावर है या नहीं सच में, देखू मैं तेरी बात को। अरे यार अपनी बात पे संदेह नहीं करते, शक नहीं करते, अभी देखो जितनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी ऑलमोस्ट मैं सबसे ऊपर आई लास्ट गाड़ी, उसके पाथ कवर करते बूम बाम करते, लो गाइस गाड़ी बन चुकी है सोने की। पुत्र यार 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 फैंगलिंग मजा आ गया यार, तूने कितनी गाड़ी की है यहाँ पर, 7-8 गाड़ी की है, 8,000 करोड़ तेरा अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ मैं अभी। अरे यार मैंने कहा था ना मेरे पे शक नहीं करने का, मेरे अंदर पावर आ चुकी है, और ये आपकी सोने की गाड़ी आपके हवाले, और आपके पास एक बंगला है ना जो कि बहुत ज्यादा गाड़ियों के साथ है, वो मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरे पैसे से काट लेना। पुत्र यहाँ वो देखो मैंने फ्री में दिया ऐश कर। ओ भाई साहब इतना ज्यादा पैसा ऊपर से, वो
फ्री में मिल चुका है। अरे शिनचैन सुना कि नहीं तूने? हाँ यार फैंकी भाई, मैंने सुना यार। चलो चलो फटाफट चलो अपने नए घर में और गाड़ियों के साथ। अरे यार फैंकी भाई, मैं भी एक गाड़ी लेके रोज स्कूल जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अरे यार तू डेली अलग अलग स्कूल, मतलब भाई बोल रहा अलग अलग स्कूल नहीं, अलग अलग गाड़ी लेके स्कूल जाना, मतलब तू मजे कर रहा है। तेरे भाई ने ऐश करवा दिया, तेरा भाई बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है लॉस सैंटोस में। तेरा भाई मतलब अभी तो सोचो, मैंने अभी तक टच नहीं किया, मेरे घर पे इतनी गाड़ियां होगी ना, उनको मैं टच करूंगा तो वो भी सोने की बन जाएगी। तो भाई समझ रहे हो, पैसा ही पैसा तुम्हारे भाई के पास राइट नाउ आ चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड फैंकी भाई कम बोल रहे हैं, फटाफट गाड़ी भगाओ, मेरे को जाना है मेरे नए बंगले की तरफ, फटाफट चलो यार। रह तो गए सब, आ गए हमारे बंगले की तरफ। अरे फैंकी भाई हमारा बंगला कौन सा है इसमें से? अरे यार शिनचैन सबर कर, बता रहा हूँ, सब कुछ तेरा है भाई, क्या टेंशन ले रहा है तू? गाइस तू ये रहा लॉस सैंटोस का सबसे महंगा बंगलो, और उसके अंदर इतनी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां आप लोग देख सकते हो गाइस। यहाँ पर लेमोजिन से लेके मर्सिडीज से लेके स्पोर्ट गाड़ी, मतलब भाई लैम्बोर्गिनी खड़ी है, बुगाटी खड़ी है, जो गाड़ी आप नाम ले सकते हो यहाँ पर गाड़ी सब खड़ी है। और मैं तुम्हारा भाई और शिनचैन इतना अमीर बन गए ना कि राइट नाउ ये जितनी भी गाड़ी है ना, मैं सारी गाड़ी को सोने की बनाने वाला हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में करोगे यस और नो, तो अगर यस करोगे तो मैं सारी गाड़ी गोल्ड के बना के इनको बेच दूंगा, और इससे बड़ा बंगलो मतलब जो मेरा पुराना घर था ना उसको मैं अपग्रेड कर दूंगा। तो क्या आप चाहते हो कि जो मेरा पुराना घर है मैं उसको अपग्रेड करूं? तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको अपग्रेड कर देंगे। और शिनचैन तो बहुत ज्यादा खुश है, शिनचैन बोल रहा है कि वो रोड लेमोजिन लेके जाएगा, तो गोल्ड वाली तो भाई शिनचैन मैं तेरी गोल्ड की बना के दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इंटरेस्टिंग वीडियो से नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और मेक श्योर हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस।